कोविड का टाइम है इसलिए मास्क पहनना जरूरी होता है, तो कभी कभी कोई कोई आदमी नहीं पहनते हैं, लेकिन मैं तो पहन के आया हूँ। लेकिन यहाँ भी टिकट करने के लिए जा रहा हूँ, ये मेरा पीछे देख लीजिए टिकट काउंटर है, यहाँ लोग बहुत टिकट का लेते हैं, तो मैं भी जाऊँगा टिकट लेके अंदर जाऊँगा, ठीक है, और जाके आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत ही अमेजिंग लग। हेलो हाय फ्रेंड्स, क्या आप लोग कैसे हैं? मैं आप लोगों के लिए एक टूरिस्ट प्लेस के लिए आया हूं, तो आज देखेंगे यहां से बोस्टॉप कैपिटल से, भुवनेश्वर कैपिटल से 15 किलोमीटर होगा, और विजय पटनायक एयरपोर्ट का से 8 किलोमीटर होगा, और रेलवे स्टेशन से सिर्फ 12 किलोमीटर होगा। आइए देखते हैं वो प्लेस क्या है। मैं अभी जा रहा हूँ आप लोगों के लिए एक नया टूरिस्ट प्लेस दिखाने के लिए। दोस्तों, ये आ गया आपका सामने दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क नंदनकानन, जो कि ओडिशा में भुवनेश्वर मार्स सिटी में पड़ता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ हर तरह का जीव जंतु देखने को मिल जाएगा। ऐसा एक एनिमल या फिर बर्ड्स नहीं है जो कि आप लोगों को देखा ना सकते हैं। दोस्तों, नंदनकानन ब्लॉग का दूसरा वीडियो भी देख लीजिए, तभी मज़ा आएगा। यहाँ सूचना केंद्र दिया गया है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, कुछ भी अगर कुछ चाहिए तो इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप लोग। आप अच्छा से दिया गया है, आप लोगों को पढ़ सकता है। तो मैं अभी तो आ चुका हूँ, तो आप लोग भी आना चाहते हैं तो आ जाइए और दिल खुश करके जाइए। भाई टिकट रोल करो सफारी पे अलगा छि की सफारी भीतर बड़ो केतरा को एंटी टिकट बड़ो जाने मु एकटिया जाने एक केता 50 पांच पांच है के तो बता रहा हूं दीटा हां ना तो दीटा जा जाना 50 गला तंगरो चेंज दो चेंज नहीं 50 चेंज नहीं है चेंज मेरे पास नहीं है इसलिए ये देखिए भाई, मैं टिकट अभी ले चुका हूँ अभी अंदर जाने के लिए 50 रुपया लगता है। सफारी के लिए अलग से टिकट खरीदना पड़ता है। अभी मैं जा रहा हूँ, शायद यहाँ टिकट चेकिंग हो रहा है। यहाँ टिकट चेकिंग नहीं हो रहा था, ये कुछ ड्राई फ्रूट कुछ नहीं ले सकते हैं यहाँ अंदर, क्योंकि अंदर अगर अंदर लेके जाएंगे ना तो वहाँ जो जानवर है तो कुछ वो दे देते हैं, तो ऐसा करके सब दिक्कत में आ जाएगा। यहाँ एक है, अगर आप सामान है आपका तो यहाँ रख सकते हैं, इसके लिए कुछ देना पड़ेगा शायद, मुझे अभी नहीं पता। अभी अंदर जाएंगे, वेलकम कर रहे हैं, ये वेलकम का गेट है, यहाँ चेकिंग करके जाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी जा रहा हूँ। यहाँ टिकट चेकिंग हो रहा है। फाइनली हम लोग
अंदर आ चुका हूँ। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही खुशी दे रहा है यहाँ। अभी यहाँ एक देखने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई लव नंदनकानन। दोस्तों ये है नंदनकानन का बहुत ही बेहतरीन सेल्फी पॉइंट है। तो हम लोग जाएंगे अभी बर्ड फिट के लिए और देखेंगे। ये इंडियन पिकअप है, ये देख लो, ये इंडियन पिकअप है। ये दोस्तों पिकअप को सबसे अच्छा क्या लगता है पता है आपको? काला बादल अच्छा लगता है। जब काला बादल देखेगा ना वो नाचने लगेगा। दोस्तों आप लोगों को माफ़ी चाहता हूँ जो कि इस वीडियो में सारे चिड़िया दिखा नहीं पाया, इसलिए सेकेंड पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ हर प्रजाति का